Vasi and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साल का वो समय होता है पढ़ने लिखने का. जब आपका जीवन शुरुआत में पढ़ने लिखने का समय होता है, तो आप सबसे पहले बताइए कि वो जो समय दिया गया था किस लिए दिया गया. शुरुआत में हम जब किसी कक्षा में एडमिट होते हैं, या हम लोग पांचवी, दसवीं, आठवीं, बारहवीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS, डॉक्टर की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, आठवीं कक्षा पास करना, पांचवी कक्षा पास करना, वो समय हमें कब दिया जाता है? वो शुरुआती दौर में समय मिलता है. तो साथियों देखिए, जब शुरुआती दौर में आपको जो समय मिलता है ना, उसका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए? जो शुरुआती दौर में आपको जो समय मिलता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करने में, अपने जीवन को बनाने में, या अपने जीवन के वो निर्णय करने में जो आपके भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित कर सकते हैं. लेकिन साथियों आपको एक बात और समझनी होगी, जैसे ही आप 18 साल के होते हो तो आप एक एडल्ट कहलाते हो. एडल्ट का मतलब होता है बालिक, वयस्क. और बालिक या वयस्क जिसको बोला जाता है, एडल्ट जिसको बोला जाता है, 18 साल के ऊपर वाला व्यक्ति, ऐसा सरकार का मानना है विदेश में और देश में कि वो समझदार हो चुका है, अपने निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप हो चुकी है, और वो अपने निर्णय बखूबी से लेके अपने जीवन का निर्धारण कर सकता है. और 18 साल के व्यक्तियों के नीचे जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है जुवेनाइल, छोटे बच्चे, या जिनके पास अभी अपने निर्णय लेने की समझ नहीं है. जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको जो है आरसीएम में भी एडमिशन मिलता है. आरसीएम में एक बिजनेस का तरीका है. ये 18 साल की आयु इसलिए रखी गई, चाहे वो वोट देने की हो या आपके बिजनेस करने की हो, ये आयु इसलिए रखी गई कि इस समय इंसान अपने निर्णय सही तरीके से ले सकता है. अब साथियों आप सब लोगों को ये सोचना जरूरी है कि आप जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं आज के इस प्रोग्राम में, निश्चित रूप से आप में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो चुकी है. निर्णय लेने की क्षमता का मतलब क्या होता है कि आप खुद अपने भविष्य के बारे में फैसला कर सकते हैं, अपने जिंदगी के वो डिसीजन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने परिवार को, आने वाले परिवार को, या भविष्य में आप अपने परिवार को सुखी रख पाए, बेहतर रख पाए. और उसके लिए जरूरी है साथियों कि आप पढ़ाई लिखाई का समय जा चुका है, अब आ गया है हमारे भविष्य के निर्माण करने का समय. भविष्य का निर्माण करने के लिए साथियों हमें जो चाहिए वो होती है इनकम. जो है वो होता है पैसा, इनकम, कमाई. आप अगर थोड़े से देखिए 20 22 25 साल का जब होता है तो सबसे पहले परिवार के लोग क्या बोलते हैं कि भैया पढ़ना लिखना बहुत हो गया, अब कुछ कमाना धमाना शुरू करो. अब फिर कमाना धमाना शुरू करोगे तो आपका विवाह होगा. विवाह चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो, आप एक आयु में पहुंचने के बाद में उस लायक बन जाते हो. अब ये बातें आपको साथियों लग रहा होगा कि आज प्रीमियम डायरेक्ट सेलर के प्रोग्राम में ये बातें क्यों करी जाती है. उसका एक ही कारण है साथियों कि हमको एक बात को समझना है कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो शुरुआती दौर था वो चला गया आपकी एजुकेशन लेने. आपने बहुत सारा समय उस एजुकेशन लेने के लिए अपना 20-22 साल, यानी साल के 365 दिन से अगर आप 20-22 साल को मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम 7000 दिन और कई घंटे आपने जो है वो पढ़ाई लिखाई में अपने इन्वेस्ट किए हैं. अब ये समय जो पढ़ने लिखने का नहीं था, पढ़ने लिखने का था, अगर वो पढ़ने लिखने के समय को आपने और किसी कार्य में लगा दिया और 18 साल के बाद जब आपका कमाई करने का समय आ गया है वो आप पढ़ने लिखने में लगाओगे तो फिर कमाई कब? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप अपने मन से पूछ के देखिएगा साथियों कि शुरुआती दौर पढ़ने लिखने का होता है, वो समय ऊपर वाला आपको एजुकेशन के लिए देता है. ये समय एजुकेशन का नहीं, ये समय कमाने का है, ये समय बिजनेस करने का है. अपनी जानकारी, अपना अनुभव बढ़ा के अपने काम से अपनी सफलता को अर्जित करने का समय है. साथियों ये समय जो जिंदगी में आप 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 100 साल के हो, 80 साल के हो, 60 साल के हो, कोई भी साल के हो, ये समय को अगर आपने एजुकेशन लेने में व्यतीत कर दिया, पढ़ने लिखने और समझने में व्यतीत कर दिया, तो थोड़ा अपने दिल से पूछ के देखना कि कमाने का समय कब मिलेगा. कितना एजुकेशन भरा पड़ा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में साथियों, यूट्यूब पे नॉलेज, मोटिवेशन नॉलेज, ये काम करना है, वो काम करना है, ये स्टेप, वो स्टेप, ये 4 स्टेप, ये 10 स्टेप, ये 20 स्टेप. साथियों कितनी स्टेप चढ़ेंगे? अरे स्टेप चढ़ना है तो सफलता की चढ़ना है, स्टेप चढ़ना है तो हमारे इनकम की स्टेप को चढ़ना है. मैं आप सब लोगों को साथियों एक ही बात, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, बहुत सम्मान है आप लोगों के लिए, मन में आपके प्रति बहुत विश्वास है, लगन के साथ आप लोग काम करते हैं. लेकिन साथियों मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये समय अब न बहुत नॉलेज लेने का है, न बहुत सीखने का है, ये समय है काम करने का. और वो काम करने में गलतियां ढूंढो, वो काम करने के तरीकों को बदलो,
वो काम करके ये सीखने की कोशिश करो कि कौन सा तरीका आपका सफल हुआ। आज के दिन आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो, आज एक घंटा आधा घंटा जो भी आपको ट्रेनिंग मिलती है ना साथियों, उसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको इंप्लीमेंट करो फील्ड में, वही हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ये नहीं कि आज भी 8 से 9 में एक प्रोग्राम में बैठे, फिर 10 से 11 में एक झूम में चले गए, फिर 4 से 5 में एक प्रोग्राम सुन लिया, फिर रात को 8 से 9 में सुन लिया। अरे भाई, दिन भर अगर प्रोग्राम सुनते रहोगे तो हमारा खजाना कैसे भरेगा? अरे भाई, आपके घर में राशन कैसे आएगा, आपके घर में इनकम कैसे आएगी, परिवार कैसे चलेगा? ये समय आपका समय समाप्त होता है एजुकेशन लेने का। अब साथियों, घंटा भर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन 10 घंटे काम कीजिए। और जो सीख आपको, चाहे आपके आरसिंग के लीडर हो, न्यूट्रीचार्ज के लीडर्स हो, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग टीम हो, और किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती हो, और कोई जानकारी मिलती हो, जानकारी 1 घंटा, काम 10 घंटा, जानकारी 2 घंटा, काम 20 घंटा। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूंगा साथियों, देखिए, ध्यान रखिए, समय चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला। ऊपर वाले ने हमारे साथ, सब लोगों के साथ एक निर्णय, एक डिसीजन और एक इनाम हम सब लोगों को दिया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो हमारे परिवार के बड़े बड़े लीडर्स हो, आदरणीय सुरेंद्र साहब हो, आदरणीय मुकेश जी हो, आदरणीय बागचंद जी हो, आदरणीय जितने बड़े बड़े महावीर जी हो, राजाराम जी हो, जितने बड़े बड़े लीडर हो, प्रहलाद जी हो, कोई भी हो, चाहे वो अरविंद साखी हो, या आज आप में से जो साथी हमारे बेटे हैं, क्या चीज हमको सबने ऊपर वाले ने बराबर दी, और वो है 24 घंटे। ये समय सबको बराबर दिया, ये समय का निर्णय। देखिए, किसी को गरीब परिवार में पैदा किया, किसी को करोड़पति में पैदा किया, ये हमारी किस्मत हो सकती है। हम में से सारे लोग, आप जितने लोग जुड़े हैं साथियों, हम कहां से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम सारे लोग साधारण परिवारों से। मैं एक टीचर परिवार से, एक बैंक में क्लर्क के घर में मेरा जन्म हुआ है। आप लोगों में से सब लोग साधारण परिवार में रहने वाले लोग। हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर रहे हैं। और जब हम जिंदगी को बदलने के लिए कर रहे हैं साथियों, हम सारे लोग साधारण परिवारों से आए हैं, और साधारण ऐसे साधारण परिवार जिसमें शायद हो सकता हो कि हमने कई सालों तक नए कपड़े नहीं खरीदे हो, कई सालों तक अपने जीवन में अच्छे ढंग से दिवाली ना मनाई हो, कई सालों तक हमने कई छुट्टियां ना मनाई हो, कई सालों तक हमारे घर में माँ ने आधा खाना खा के अपनी रात की नींद काटी हो, कई सालों तक ऐसा रहा होगा कि आपके घर में ये सोचने में लगता होगा कि घर के बाहर कैसे निकले, घर के बाहर तो जो है वो ठंड लग रही है, घर के अंदर पहनने का कपड़ा नहीं है। हम सब परिवारों ने वो चीज को झेला है साथियों। देखिए, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, साधारण व्यक्ति होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये 24 घंटे मिलते हैं ना साथियों, हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में वो सब जो हमें नहीं मिल पाया वो करने के लिए मिले, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, संघर्ष का जीवन है। अच्छा समय हम लोगों का आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? जब हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, हमारी इनकम आएगी। साथियों, कौन से रतन टाटा, कौन से मुकेश अंबानी स्टेप पढ़ के आगे बढ़े, कौन से लोगों ने 4 स्टेप, 10 स्टेप, 100 स्टेप सीखी, कौन से लोगों ने यूट्यूब पे ट्रेनिंग ली? साथियों, ये आर्ट को समझिए। देखिए, जितना बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हो ना, उसके लिए प्रयासों को जारी कीजिए। और एक बात को समझ के चलिए, बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी जब बनता है ना, तो नेट प्रैक्टिस करता है 8-8 घंटे। जिसको आप लता मंगेशकर का इतिहास समझेंगे ना, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रियाज करना पड़ता है, गला साफ करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। साथियों, हम अपने कामों की प्रैक्टिस करें, हम अपने बिजनेस की प्रैक्टिस करें, फील्ड में उतर के काम करें। अरे, 4 गलतियां होगी, कोई बात नहीं सर, 4 महीने सफलता नहीं मिलेगी, 4 गलतियां करेंगे, लोगों से मिलेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, गलतियां वहां होगी, उसको समझना है। नॉलेज बढ़ा के अपने दिमाग को इतना मत अंदर डलवा दो सर कि काम करने की इच्छा खत्म हो जाए। मेरा ये कहना है कि मन में वो आग लगाओ जो सुनने के बाद आपको काम करने की तरफ बढ़ाए। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों कि कल की ट्रेनिंग में आप लोग नहीं आते, लेकिन मुझे वो गर्व होगा कि जब आप कल की ट्रेनिंग में नहीं आओ, लेकिन कल एक मैसेज भेजो कि सर मैंने 5,000 का बीबी किया, वो सफलता है हमारी। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, ट्रेनिंग में आओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जानकारी बढ़ाओ, लर्निंग लो, 1 घंटा सीखो, 10 घंटे काम करो। साथियों, हम सफल तभी हो पाएंगे। Come true.